फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। लाइक गाइस स्टील कंपनीज है काफ़ी, उसमें ना तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर से भी वो कनेक्टेड है, उसमें भी उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिल रही है। तो गाइस ऐसी कुछ केमिकल्स और फार्मा सेक्टर की भी कंपनीज है जिसमें एक तेज़ी आई है और मार्ट कंपनीज में भी तेज़ी आई है। तो रीज़न क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उस चैनल पर इस वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहना है, क्योंकि यार जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। हो सकता है मे बी ये स्टॉक्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में, या फिर अगर आप बिगनर हो तो आपको एक नई नॉलेज ग्रैब हो सकती है। तो गाइस ऐसी नॉलेज को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए तो आपको चैनल पर एंड वीडियो पर पूरा बने रहना पड़ेगा ना। एंड एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल पर किसी भी स्टॉक के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो आप खुद से स्टडी करके ही इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि मैं भी स्टडी करके ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हो तो लाइक इस पर आइकन जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगी आगे की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें एक बूस्ट आ रहा है? ऑटो सेक्टर की गाइस कंपनी है एंड दे आर ऑटो कंपनीज। आजकल जिसमें आप देखो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन से देखोगे तो 24% तक ये स्टॉक चढ़ चुका है। एंड हल्का फुल्का मैं ये नहीं कहूँगी, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आना स्टार्ट हुआ। देखिए 27 अगस्त से, कल से मतलब कल के दिन से आज तक 5.5% तक ये स्टॉक गिरा है। एंड गाइस अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ का देखने को मिलता है। गाइस इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रिलिमिनरी ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है। ये कंपनी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए शीट मेटल कंपोनेंट्स, ट्यूबुलर्स कंपोनेंट्स और एक्सोहोस सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इनका फोकस OEMs को सप्लाई करने पर होता है जो इंडिया के लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। फ्यूचर्स गाइस अगर बात की जाए ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड के साथ एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स का फ्यूचर प्रोमिसिंग है। एंड ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन और लाइट वेट मटीरियल्स के अडोप्शन के साथ एनडीआर ऑटो अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को डाइवर्सिफाई कर रहा है जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। गाइस साथ के साथ रिसेंट में एनडीआर ऑटो ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। एंड गाइस ये स्टेप कंपनी को ऑटो इंडस्ट्री के राइजिंग डिमांड को मीट करने में मदद करेगा, ठीक है, आप पता चला इसमें। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, एनडीआर ऑटो के अंदर अगर आप देखोगे ना हिस्टोरिकल डाटा, देखिए NSE पे जाइए, कंपनी का नाम लिखिए, उसमें आपको नीचे ट्रेंड इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल डाटा दिखाता है। तो आप यहाँ पर जाकर एक चीज़ चेक कर सकते हो कि कितनी वॉल्यूम आ रही है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो रहे हैं। आज के दिन आप देख सकते, कल के दिन का हमें डाटा देखने को मिल रहा है। और अगर आज के दिन मैं आप लोगों के लिए इस डाटा को दिखाऊँ तो आप देखोगे, ये देखिएगा अभी हमें कल का दिन का ही डाटा उसमें अपडेट होता हुआ नजर आया। और हाई देख लीजिए 1802 तक का बनता हुआ देखने को मिला था कल के दिन। सो गाइस ये एक वॉल्यूम होता है जो हमें देखने को मिलता है। 1 डे का आप देख सकते हो, 1 मंथ का देखने को मिलता है, 3 मंथ का देखने को मिलता है, ये सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। एंड साथ के साथ NDR ने एक्चुअल में बोनस भी अनाउंस कराया 1:1 का, जिसकी वजह से आप कह सकते हो इस स्टॉक में बूस्ट आया है। पिछले 5 दिन से, 1 महीने में अगर आप देखोगे तो 62% तक चढ़ चुका है, साल भर में तो गजब हो गया है, 92% तक इसमें हमें तेज देखने को मिली है। एंड अगर बात की जाए मैक्सिमम तौर पर, ये 2020 में आया था और अब तक मतलब जुलाई में आया था 2020 में, और इसको अभी 5 साल हो गए हैं। सो गाइस आप एक चीज़ नोट करो, इसने अभी तक 2600% तक का रिटर्न दिया, बहुत शानदार रिटर्न दिया है। गाइस चलिए बात करते हैं वहीं साथ के साथ नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है हरिओम पाइप्स। हरिओम पाइप्स से अभी अगर आप देख रहे होगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले कुछ और थी, जो कि अब हमें 57% देखने को मिलती है। रिटेल की जो होल्डिंग थी 32% देखने को मिलती है। रिटेल अंदर की फॉरन स्टोर्स के अंदर 10.10 है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की म्यूचुअल फंड की 0.37 है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आप देख सकते हो 0% है, गवर्नमेंट की भी 0% है। एंड गाइस जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वैक्सो में ये है कि इसके अंदर ना प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम कराया, जहाँ पहले 58 थी तो अब कम होकर 57 हो गई है। गाइस अगर आप देखोगे हरी पाइप के स्टॉक्स में भी आज के दिन गिरावट है। पिछले 5 दिन से अगर देखोगे 3.5% तक की निरापद गिरावट देखने को मिली है। गाइस हरी पाइप एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो माइल्ड स्टील पाइप्स स्कैफ होल्डिंग और GI पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है।
इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के रैपिड ग्रोथ के चलते हरिओम पाइप्स का फ्यूचर ब्राइट लगता है। स्टील प्रोडक्ट्स की डिमांड स्टेबल है और गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव से कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी। हरिओम पाइप्स ने अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के एक्सपेंशन के प्लान्स अनाउंस किए हैं जो इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं मदद करेंगे और ये इनिशिएटिव कंपनी को मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने में भी मदद करेगा। अगर आप देखोगे तो हरिओम पाइप्स में जिस तरीके से आज के दिन फिलहाल तो गिरावट है एंड सेम हमें गिरावट हमें हाईटेक के अंदर भी देखने को मिलती है। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो देखिए सिमिलर ही थोड़ा बहुत देखने को मिलता है क्योंकि हाईटेक पाइप्स एक स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप लोगों को पता है जो गवर्नेंस आयरन हो गया, कोल्ड रोल कॉइल्स हो गए, हॉलो सेक्शंस हो गए, सब चीज़ों में काम करती है। स्टील पाइप्स की डिमांड स्टेबल है और हाईटेक पाइप्स ने अपने मार्केट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सपेंशन प्लान्स बना रखा है जिसकी वजह से आप कह सकते हो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट की तरफ से जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं तो उन कंपनीज पे भी फोकस रहेगा एंड नेचुरली उन कंपनीज पे भी हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे हमें हरिओम पाइप्स हो गए, हाईटेक पाइप्स हो गए, इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सको कहीं ना कहीं आई है। देखिए पिछले 5 दिन में स्टॉक चढ़ा है, 1 महीने में आप देख सकते हो 26% तक चढ़ा। तो अभी क्या इसका रीजन था? हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग यू कैन से। एंड गाइस मैं आपको बता दूं मार्केट कैप बस मात्र 3,000 करोड़ का है, हाई इसने 197 में लाया है, इसमें से आपको डिस्काउंट लेवल पर मिल रहा है। और अगर आप देखोगे हरिओम पाइप्स का इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2,000 करोड़ का मतलब 2,500 करोड़ का देखने को मिलता है एंड इसका हाई 879 ये भी आपको डिस्काउंट लेवल पर मिल रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा शानदार है और हाईटेक का भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। चलिए गाइस नेक्स्ट कंपनी है GTL इंडस्ट्रीज। इसमें गिरावट है आज के दिन, पिछले 5 दिन देख सकते हो इसमें चढ़ा था ये और 1 महीने में ये लगातार 10% चढ़ चुका है। तो आज के दिन रीज़न आप समझ गए होंगे क्या ही रीज़न रहा होगा इसके अंदर गिरावट का। हाई 278 है, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें से भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिली है। GTL इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। गाइस बता दूं GTL इंडस्ट्री स्टील पाइप्स और ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने आपको बताया है कि स्टील्स कंपनी में एक बूस्ट आ रहा है, नेचुरली तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन का डाटा देखकर चलेगा क्योंकि आज के दिन तो थोड़ा बहुत आपका सबका प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो गाइस ये भी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है एंड ये कंपनी गवर्नाइज स्टील प्रोडक्ट्स और होलो सेक्शंस बनाती है। कौन? GTL इंडस्ट्रीज, जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के साथ GTL इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने की संभावना है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने पर फोकस कर रही है। GTL इंडस्ट्रीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। इस स्टेप से कंपनी को अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलेगी। ठीक है, वहीं नेक्स्ट गाइस कंपनी निकल के आती है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट में फिलहाल तो आज के दिन माइनस से तेजी है, 5 दिन में आप देखोगे इसमें गिरावट है। अब धीरे धीरे इसमें तेजी आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है पिछले 1 महीने से 6 महीने से आप देखोगे इसमें ज़्यादा 1 महीने से कोई तेजी नहीं है। 6 महीने में ये बस मात्र 28% चढ़ा है और साल भर में आप देखोगे तो 38% तक चढ़ा है और 1 दिन में आप देखिए आज के दिन तेजी है। रीज़न ये है कि गाइस ये ना स्टोर ओपन्स कर रहे हैं, जो जगह है ना ये विजयवाड़ा में कम से कम 374 स्टोर्स, मतलब द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज ऑन डेट स्टैंड 374 ओपन होने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक में हल्की हल्की तेजी है। तो आपको मैं कहूँगी देखो लार्ज कैप कंपनी है, सबसे बड़ी बात तो कितनी 3,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक साल में या अगर आपको 20% का रिटर्न भी दे दे तो सेटिस्फाई रखना ही है, आपको ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगानी है क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट एक इंडियन रिटेल कॉरपोरेशन है जो डीमार्ट ब्रांड नेम के अंडर अपने स्टोर्स ऑपरेट करती है। डीमार्ट एक वैल्यू फोकस रिटेल चेन है जो ग्रोसरी, होम एंड एसेंशियल अपेरल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट ऑफर करता है। फिलहाल तो गाइस देखिए जो रिटेल सेक्टर काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है और डीमार्ट का लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल और एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज उससे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाता है। अर्बनाइजेशन और डिस्पोजल इनकम्स के बढ़ने के साथ डीमार्ट की मार्केट प्रेजेंट पेनिट्रेशन और वेंस ग्रोथ बढ़ने की भी संभावना है। ठीक है गाइस, अगर वहीं बात करें ना नेक्स्ट टाटा गैलेक्सी की, तो टाटा गैलेक्सी में देखो गिरावट है,
पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो 18% तो चढ़ा है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं ये बहुत नीचे आ गया था, बहुत नीचे। ये देखिए कहाँ पर 74 के लेवल पे, और ये देखिएगा यहाँ पर 7 1100 के लेवल पे, और ये सबसे बड़ा 6700, ये सबसे ज़्यादा इसने लो बनाया था, और उससे भी लो देखो 6696 रुपीज़ का, मतलब 6696 रुपये का बहुत तगड़ा लो था। और यहाँ से देखो कितना तगड़ा चढ़ा है, 33%। लेकिन जिसने यहाँ से बाई किया होगा उसको भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे, आप ये देख सकते हो रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले होंगे, ठीक है। एंड ये देखिएगा 33% तक गाइस हाल फिलहाल में लोगों ने कमाया है, 9200 का इसका हाई था 52 वीक का। तो टाटा लेक्सी में जिसने भी बॉटम फिशिंग करी होगी उनको अभी काफ़ी ज़्यादा शानदार 100% तो रिटर्न मिल रहे होंगे। तो टाटा लेक्सी एक ग्लोबल डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जो ऑटोमेटिव मीडिया कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज पर होता है, ठीक है गाइस। वही नेक्स्ट कंपनी हमारी निकल के आती है आरती ड्रग्स लिमिटेड। आरती ड्रग्स लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मुलेशंस और स्पेशलिस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरर्स करती है। ये कंपनी एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट्स के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। गाइस फ्यूचर की बात की जाए तो फिलहाल तो आज के दिन इसमें गिरावट है, लेकिन पिछले 5 दिन में अगर आप देखोगे तो उसमें तेजी आई थी। ये देखिए ये तेजी बहुत तगड़ी तेजी इसमें आई थी, 23 अगस्त से देखिए कम से कम 12% तक 13% तक चढ़ा, फिर उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं। पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा शानदार रिटर्न है, और 1 साल में देखो कुछ रिटर्न नहीं दिया। पिछले 5 साल में भी इसमें खाली 400% का रिटर्न, और अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेड कर रहा है। देखिए जिन्होंने हाई पे ट्रेड लिया होगा ना 900 पे, तो उनको तो भैया लॉस हो रहा है 40% का। लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर हाई पे लिया तो कोई बात नहीं, होल्ड करके चलो, कहीं ना कहीं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन जिन्होंने गिरावट में 340 रुपये के बाय पे खरीदा है तो 71% तक का, और यहाँ से इस लेवल पर अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट इनको हाल फिलहाल में मार्च लेकर सितंबर तक 84% तक का, 100% तक का रिटर्न तो मिल ही गया है। तो एक ये कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग, स्मार्ट स्ट्रेटजी। आरती ड्रग्स में गाइस गिरावट है कि इसमें बायबैक ये लेकर आ रही है। कहीं से आपको पता है बायबैक 2 तरीके के होते हैं, तो टेंडर लेकर आते हैं या फिर आप ही कह लीजिए ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में तो हम तो कर नहीं सकते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन अगर टेंडर के थ्रू आता है तो उसमें कर सकते हैं। आप देखिए इसमें 60 करोड़ रुपये तक का एक अमाउंट लगाया जा रहा है कि कमाया जा सकता है, वॉर्थ इट रह सकता है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ इसके अंदर, इसकी जो लास्ट डेट है 5 सितंबर तक है। अगर उससे पहले आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकता है, और इन्होंने फिक्स प्राइस लिखा है 900 पर शेयर का, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी इन्होंने चीज़ लिखी है कि प्राइस फिक्स कर दिया गया है बायबैक के लिए, और 60% प्रीमियम का रखा है अमाउंट। तो गाइस अगर आपको इसमें 20% तक का रिटर्न भी मिल जाता है, देखिए अगर 5 दिन में ये बहुत तगड़ा भागा था, और कल के दिन भी आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छी इसमें तेजी आई थी, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये 10% 10% तक का सर्किट लगाता रहा ना, और 20% आपको यही मिल गए, तो गाइस नो डाउट 60 से 70% तक रिटर्न आप यही कमा लेंगे 20% तक का, ठीक है। गाइस मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर के बारे में अगर मैं इसको बताऊँ तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इनस्टेबल डिमांड के चलते आरती ड्रग्स के फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, ये चीज़ आपको बताऊँ नीचे। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी का स्ट्रांग प्रेजेंस बना हुआ है। सो गाइस ये सारी कंपनियाँ थी जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ स्टडी करके, और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है तो आप इनको फोकस करके चलिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो स्टडी करके कहाँ बॉटम फिशिंग है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज नहीं है कि जिसमें आप लोगों को डर लगे आप ना इन्वेस्ट कर पाओ, लेकिन एक बार इसकी फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो खुद स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। बाय गाइस, थैंक यू।